हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी प्रीशियस गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर संजय सिंह बायोलॉजी ट्यूटोरियल। माई सेल्फ डॉक्टर संजय सिंह, पीजीटी टीचर्स, शिवर सिंह चिल्ड्रेन एकेडमी, अयूबपुर कलान, जौनपुर। इन प्रीवियस लेक्चर्स आई हैव टोल्ड यू डिटेल अबाउट द ड्रग एब्यूज एंड दिस टॉपिक्स जो था दे आर रिलेटेड विद द ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। द टूडे नाउ वी आर गोइंग to discuss the second part that is known as alcohol abuse की हम बात करेंगे। जैसे हम जानते हैं कि drug and alcohol both are very dangerous for our health। बार बार ये आपको indication दिया जाता है कि इन चीज़ों को नहीं लेना चाहिए। अगर हम इसको लेते हैं तो हमारे body parts को affect करता है, our organs are affected with the drugs and alcohol। और आज मोस्टली ये बात हमने पिछले लेक्चर में, नियर अबाउट 60% यूथ दे आर अफेक्टेड विद द ड्रग्स आर एल्कोहल से अफेक्टेड हो रहे हैं। ये जानकर भी कि इतना प्रॉब्लम्स आ सकती है लाइफ में, फिर भी वो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। तो आवर सेंटर्स, ध्यान देना, ड्रग एंड एल्कोहल सेंटर्स आर रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। वो हमारे ब्रेन में भी हो सकते हैं, हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स में भी हो सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब ड्रग्स और एल्कोहल्स जब बॉडी के अंदर से जाते हैं तो दे आर बाइंड टू द रिसेप्टर्स और रिसेप्टर्स से बाइंड करते हैं। तो फर्स्ट इनिशियल टाइम में अगर आप लेते हो तो वह रिसेप्टर से जाकर बाइंड करेगा, फिर वो रिसेप्टर उसके लिए वह बार बार अगर वह बाइंड कर रहा है तो आपको बॉडी में जो उसका इफेक्ट होता है, ऐसी फीलिंग होती है कि मेरा जो, मुझे मूड स्विंग की जो बात आती है कि एक दूसरी दुनिया में लोग चले जाते हैं। तो बार बार ध्यान देना, बार बार एडिक्ट, अगर बार बार अगर आप एल्कोहल्स और ड्रग्स को ले रहे हो तो उससे हमारे रिसेप्टर्स जो होते हैं उसकी डिमांड बढ़ जाती है, वो हाई डोज वह चाहने लगता है। इसलिए स्टार्टिंग में मोस्ट ऑफ द पर्सन, आपने देखा होगा कि शुरुआत बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग्स वाले एल्कोहल से करते हैं, बट डे बाई डे जैसे टाइम बीतता गया उनको जो उनका अमाउंट है वो इंक्रीज कर जाता है। इट मीन्स रिसेप्टर की डिमांड बढ़ जाती है। इसलिए ये ध्यान देना कि ऐसी चीज़ों को लेना नहीं चाहिए। वो रिसेप्टर्स की जब डिमांड बढ़ेगी तो वो ज़्यादा इंटेक करोगे, और जब ज़्यादा इंटेक होगा तो दे आर वेरी डेंजरस फॉर अवर बॉडी, अवर ऑर्गन्स, आर अवर हेल्थ। तो अवॉइड्स, हमको अवॉइड करना चाहिए ड्रग्स एंड एल्कोहल्स से, हम अवॉइड करें क्योंकि दे आर वेरी डेंजरस फॉर योर लाइफ, योर सोसाइटी, योर होम एंड योर नेशन के लिए ये डेंजरस माना गया है। ठीक है, तो आज हम इस पर बात करेंगे कि ड्रग्स के बाद हम एल्कोहल की जो बात करने जा रहे हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एल्कोहल फॉर ह्यूमन बींग्स। देखिए, एक चीज़ मैंने एक मेंशन आपको किया, एक लाइन में लिखा नॉन मेडिकल, ये मेडिकल ही नहीं है, कोई मेडिसिंस नहीं है, रेगुलर एंड एक्सेसिव यूज ऑफ एल्कोहल्स अगर आप ज़्यादा यूज करते हो, लीडिंग टू और लीड्स टू टू टाइप ऑफ चेंजेस टेक्स प्लेस इन अवर बॉडी, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस इज कॉल्ड एल्कोहलिज्म। फिजिकल्स का मतलब उस तरह की फिजिकल हमारी बॉडी एंड साइकोलॉजिकल ब्रेन में उस तरह का चलने लगता है, साइकोलॉजी हो जाती है कि हम उस पर डिपेंड हो जाते हैं क्योंकि हमारे रिसेप्टर्स जो होते हैं वह उसको बाइंड करते चले जाते हैं और हमको बाद में एल्कोहलिज्म। तो द एडिक्ट, ध्यान देना कि इसका, अगर हम एडिक्ट हो रहे हैं, द एडिक्ट इज कॉल्ड, द एडिक्ट इज कॉल्ड इज कॉल्ड एल्कोहलिक। हमको ऐसे बता देते हैं कि वह एल्कोहलिक है, वह शराब पीने वाला पर्सन है, क्योंकि ये आदतें जो होती हैं ये आदतें हमको एल्कोहलिक बना देती है। बार बार हमारे बॉडी को डिमांड होता है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे चाहिए, और इसके लिए हम ये देख रहे हैं कि हर घर में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, मेजर जो प्रॉब्लम्स आ रही है ड्यू टू ड्रग एडिक्ट्स और एल्कोहल एडिक्ट्स, तो इससे हमको बचने की ज़रूरत है। ठीक है, अब ये बात आती है कि ये कैसे, ये अल्कोहल का जो प्रोडक्शंस होते हैं ये कैसे होते हैं।
तो ये बात जब आई तो इसके लिए आज हमारे पास बड़े बड़े अल्कोहलिक फर्मेंटर हैं, विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटर प्रोड्यूसर्स ए वेरी लार्ज स्केल्स ऑफ अल्कोहल वो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तो थोड़ा सा उस पर हम बात करते हैं। अल्कोहल्स की अगर हम बात करें, अल्कोहल जो होंगे दे आर प्रोड्यूस्ड बाई फर्मेंटेशन प्रोसेस। व्हाट इज द फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन इज ए टाइप ऑफ एनोरोबिक प्रोसेस एंड द फर्मेंटेशन, ध्यान देना, जो होते हैं ये जो प्रोसीड होता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मीन्स ये जो होगा ये किसके हेल्प से होगा? बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो एक फंगस, एक ईस्ट का हम नाम ले रहे हैं, वो ईस्ट है, दैट इज नोन एज फंगस। ये फंगस है सैक्रोमाइसिस सर्विसे। दिस इज द नेम ऑफ द फंगस। इट कंटेन्स जाइमेज इंजाइम्स। इसके पास कौन सी इंजाइम होगा? जाइमेज इंजाइम। एंड दिस जाइमेज इंजाइम्स प्ले ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। इसका सबसे बड़ा जो रोल होगा वो क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। और ये प्रोडक्ट एल्कोहल के प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब ये बात आती है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एल्कोहल्स फाउंड। ये दो तरह के एल्कोहल्स आर फाउंड इन द नेचर्स। हमारे नेचर्स में दो तरह के होते हैं। वन इज द डिस्टिल्ड एल्कोहल। अगर इसके एल्कोहल की अगर हम बात करें तो वन इज द डिस्टिल्ड एल्कोहल। अनदर इज द नॉन डिस्टिल्ड एल्कोहल। इसकी एग्जाम्पल से लें डिस्टिल्ड एल्कोहल का, विस्की, वोडका, रम, ब्रांडी और भी बहुत सारे हैं। दे आर बिलोंगिंग टू डिस्टिल्ड एल्कोहल। ये डिस्टिल्ड एल्कोहल हुआ। अगर हम नॉन डिस्टिल्ड एल्कोहल की बात करें, बियर एंड वाइन दे आर बिलोंगिंग टू नॉन डिस्टिल्ड एल्कोहल। ध्यान देने की बात है कि हमने जो बातें बताया कि डिस्टिल्ड एल्कोहल एंड नॉन डिस्टिल्ड एल्कोहल ये कैसे बनाते होंगे, ये अलग एक स्टेप्स है। बस इतना आप ध्यान देना कि इन डिस्टिल्ड एल्कोहल द परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इज हायर देन द नॉन डिस्टिल्ड एल्कोहल। इट मीन्स अगर यहाँ पर देखा जाए 40-50% यहाँ इसमें जो होंगे एल्कोहल्स प्रेजेंट्स इन हेयर एंड हेयर लेस देन 10%। इट मीन्स अगर आप देखो 4-10% एल्कोहल प्रेजेंट इन दिस वराइटीज। इट मीन्स बियर एंड वाइन इज लेस हार्मफुल टू विस्की, वोडका, रम एंड ब्रांडी, क्योंकि अमाउंट ऑफ एल्कोहल, कंसंट्रेशन ऑफ एल्कोहल की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान देना कि डिस्टिल्ड एल्कोहल जो होता है हैविंग मोर इन कंपैरिजन टू द नॉन डिस्टिल्ड एल्कोहल। जब हम बात ये आएगा तो वहाँ पर माइक्रोब्स में डिटेल में बात होगी, बस केवल आपको हिंट दे रहा हूँ। अभी बात आती है कि जो एल्कोहल का जो प्रोडक्शन है ये कैसे हुआ, किससे होता है। तो यहाँ पर अगर प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट हैं आपको सीरियल्स, अभी आपको इसको ले लिया जाए, बार्ली, ठीक है, मेज, वीट एंड फ्रूट जूसेस,
ये एज वेल एज स्टार्च से भी करते हैं, तो इसके सीड में स्टार्च आपको मिल जाता है। तो ये है जो होते हैं, दिस इज द मटेरियल, ये मटेरियल्स है जो कि अल्कोहल के प्रोडक्शन में यूज किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, या हम डिटेल में बात वहाँ पर करेंगे। यहाँ पर मैं एक सिंपल सा थोड़ा सा आपको बताना जाएगा कि कौन सा अल्कोहल इज मोर डेंजरस देन द अदर अल्कोहल। तो डिस्टिल अल्कोहल इज मोर डेंजरस इन अवर बॉडी देन द नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहल, बिकॉज द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन डिस्टिल्ड अल्कोहल इज मोर देन द नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ अल्कोहल इन अवर बॉडी। अब अल्कोहल जो है उसका क्या मैकेनिज्म है हमारे बॉडी में जाने पर, वह क्या करता है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो अल्कोहल को अगर हम तीन पार्टों में दिया जाए, फर्स्ट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। सेकेंड इज नोन एज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। एंड थर्ड इज नोन एज एक्सक्रीशन, थर्ड इज नोन एज एक्सक्रीशन। ठीक है, तो अल्कोहल मींस फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू ड्रिंक द अल्कोहल, अगर आप अल्कोहल लेते हो थ्रू एलिमेंट्री कैनाल और रीचेस टू द स्टमक, कहाँ पर हमारे पहुँचा, एब्जॉर्प्शन की जो बात आ रही है देखो, और रीचेस टू स्टमक रीजन में हो गया। ठीक, ये स्टमक, इन स्टमक एरिया, अभी अब तक हम लोगों ने ध्यान दिया कि अल्कोहल या कोई भी प्रोडक्ट की जब हम डाइजेशन में बात कर रहे थे तो एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड मटेरियल स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, बट इफ यू ड्रिंक द अल्कोहल, अगर आप अल्कोहल लेते हो, ध्यान देने का बात है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्कोहल स्टार्ट फ्रॉम स्टमक, ध्यान देना है कि स्टमक से इसका एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगा एब्जॉर्प्शन। तो नियर अबाउट 20% एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन द स्टमक एरिया, आफ्टर दैट दिस अल्कोहल रीचेस टू स्मॉल इंटेस्टाइन, कहां पर जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन वेयर रेस्ट पार्ट ऑफ द अल्कोहल्स आर एब्जॉर्ब। इट मींस 80% एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्कोहल टेक्स प्लेस इन हियर। क्लियर, ये बात समझ में आ गई कि 20% एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन द स्टमक एरिया एंड 80% नियर अबाउट 80% एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन्स ऑफ अवर एलिमेंट्री कैनाल, आफ्टर दैट अब वो एब्जॉर्ब होगा। इट मींस नो डाइजेशन, ध्यान देना, नो डाइजेशन, नो डाइजेशन प्रायर टू एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन से पहले इसका कोई भी डाइजेशन नहीं होता। इट मींस इफ यू टेक द फूड मटेरियल इन अवर बॉडी, आप अपने बॉडी के अंदर फूड मटेरियल को जब लेते हो, देन फर्स्ट ऑफ ऑल फूड मटेरियल्स आर ब्रेक डाउन बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, बट द अल्कोहल डू नॉट डाइजेस्टेड इन अवर एलिमेंट्री कैनाल, आफ्टर एब्जॉर्प्शन ब्रेक डाउन टेक्स प्लेस। ध्यान देने की बात है कि नो डाइजेशन प्रायर टू एब्जॉर्प्शन। अब जब एब्जॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन होने के बाद रीचेज टू द ब्लड वेसल्स, वह कहाँ कहाँ पर जाएगा, आफ्टर एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा, रीचेज टू ब्लड वेसल, रीचेज टू ब्लड वेसल, ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स से वो जाएगा लीवर, ये कहाँ पर पहुँचेगा, लीवर में हमारे पहुँचता है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि अगर अल्कोहलिक हम हैं तो हमारा किडनी, हमारा लीवर्स आर मोस्टली अफेक्टेड विथ अल्कोहल, ध्यान देना। अब यहाँ पर अब ऑक्सीडेशन प्रोसेस शुरू हो गया, ठीक है, रीचेज टू द लीवर। अब जब वो लीवर के अंदर जाता है, इन वेयर अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड, वहाँ पर क्या होगा, अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज्ड होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अल्कोहल, ध्यान देना, अल्कोहल और ऑक्सीडाइज इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ एस्टल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड एंड एस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड। यहां जब ऑक्सीडाइज होगा तो दे आर कन्वर्टेड इन टू एस्टल्डिहाइड एंड एस्टिक
acid. After that, making the body warm due to increased blood pressure as well as generated body warm करता है और generated energy. ध्यान देना कि जैसे ही वो गया हमारे body के अंदर, first of all absorb in stomach and small intestine area, from where alcohol enter inside the blood vessels, from blood vessels alcohol reaches to the liver. वो कहाँ पर पहुँचा? हमारे liver में पहुँचाएगा, where alcohol or oxidize in the form of acetaldehyde or acetic acid. जब ये convert होता है उसी liver के अंदर mechanism हो जाता है जिसे blood हमारा circulation हुआ है थोड़ा इंक्रीज करेगा, इंक्रीज ब्लड यहाँ पर आपने कहा मेकिंग द बॉडी वार्म ड्यू टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर जनरेट एनर्जी. मीन्स एनर्जी भी इसको वार्म करने में हेल्प करती है. इट मीन्स आपने देखा होगा जो अल्कोहलिक होते हैं, आपने देखा होगा कि ठंडक के टाइम, इस समय जो चल रहा है, इस समय भी अगर वो अच्छा सा ड्रिंक ले लिए हैं तो वो उनको कुछ नहीं, कपड़े भी नहीं पहनते हैं है? और उसको निकाल देते, कहते मुझे बहुत गर्मी फीलिंग हो रही है. ये भी फैक्ट है, उनकी बॉडी वार्म हो जाती है उसके कारण से. और ध्यान देना क्यों होगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है और वहाँ पे एटीपी और ब्रेकडाउन, अनावश्यक एटीपी ब्रेक होने लगती है. जब एटीपी ब्रेक हो गई है प्रोड्यूसर्स ए हीट इन अवर बॉडी, ठीक है, तो जनरेटेड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट के रूप में इनके बॉडी में जनरेट हो जाती है उसको, इसलिए गर्मी फीलिंग होने लगती है. क्लियर? एंड द थर्ड स्टेप्स क्या होगा? एक्सक्रीशन. अब यह बात आती है कि एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एल्कोहल थ्रू लंग्स, किडनी एंड स्किन. ये तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं फ्रॉम वेयर द वेस्ट प्रोडक्ट of the alcohols are excreted outside of the body. तो it means कहने का मेरा मतलब क्या हुआ कि अगर आप alcohol लेते हो तो हमारे कहाँ पर जाएगा? ब्लड से हमारे किडनी के अंदर जाएगा. किडनी के अंदर nephrons होते हैं. Nephrons are very sensitive part of the kidney because it is also known as आप कह सकते हो functional unit of the kidney or filtration unit of the kidney where bloods are filters. means जितने भी ध्यान देना कि अनवांटेड टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द ब्लड्स आर फिल्टर थ्रू नेफ्रॉन्स. तो अगर ये ध्यान देना है कि अगर अल्कोहल भी वहाँ जा रहा है तो उस नेफ्रॉन्स को उसको फिल्टर करने में ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है. ऐसे पर्सन में अगर ज़्यादा आप क्रॉनिक अल्कोहलिक अगर पर्सन हो गया तो उसका किडनी जो होती है वह डैमेज हो जाने लगती है, नेफ्रॉन्स और डैमेज हो जाता है. इसलिए अल्कोहलिक पर्सन की किडनी एंड लीवर, ये दो इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन्स होते हैं वह बहुत जल्दी डैमेज होते हैं. तो इससे हमको बचना चाहिए, एडिक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एडिक्ट अगर हो गए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स आर अफेक्टेड इन अवर बॉडी. वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स क्या होंगे? किडनी एंड लीवर से ये हमारे अफेक्टेड होने लगता है. ठीक है, ये बात तो समझ में आया. नेक्स्ट, द एक्यूट सिम्टम्स ऑफ द एल्कोहल. एल्कोहल जैसे आप लेते हो एट वंस क्या सिम्टम्स हमारे बॉडी के अंदर आएंगे? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आपको मेंशन किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल वैसोडाइलेशन एंड इंक्रीज ऑक्सीडेशन. व्हाट इज द वैसोडाइलेशन? वैसोडाइलेशन मीन इंक्रीज द डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स. ध्यान देना, इसके ये क्या करेगा? इंक्रीज द डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल, इंक्रीज द डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स. ठीक है, उनके डायमीटर्स को बढ़ा देगा. दैट इज नोन एज ल्यूमेन. उनका जो ल्यूमेन होगा अभी ये है, फिर ये बढ़ जाएगा. तो जब ये जो बढ़ेगा
therefore more supply of blood in the body, vasodilation हो गया, as well as इन्होंने कहा कि increased oxidation, oxidation is called oxygen means production of energy, production of heat inside the body, therefore person को क्या होगा, उनकी body warm हो जाती है, तो warm हो जाती है तो वो क्या करेगा, प्लीजेंट प्लीजेंट वार्म फीलिंग उसको गर्मी फीलिंग होने लगती है। ये बात हमने बार बार कहा कि अल्कोहलिक पर्संस जो होते हैं जैसे ही अल्कोहल लेते हैं उनके उनको गर्मी फीलिंग होने लगती है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर हीट ज़्यादा रिलीज होने लगता है, क्यों, वैसोडाइलेशन हो गया, ठीक, एनर्जी लिबरेट होने लगती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहला कि आपने देखा कि इंक्रीज द डायमीटर और ल्यूमेन ऑफ द ब्लड वेसल्स, दैट इज नोन एज वैसोडाइलेशन। सेकेंड थिंग, इंक्रीज ऑक्सीडेशन रेट इन साइड द बॉडी, इन साइड द सेल, सो देयर फोर रिलीज इज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो इसलिए क्या होता है, द पर्सन फील क्या करता है, फील वार्म, उसको वार्म फीलिंग होने लगती है, गर्मी फीलिंग होने लगती है, ठीक है। एंड द सेकेंड इज द मेंटल कन्फ्यूजन एंड डिजीनेस। बड़ा इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं कि मेंटल कन्फ्यूजन्स का मतलब ये होता है कि एट द प्रेजेंट टाइम, ध्यान देना, नॉट ए परमानेंटली, टेम्पररली कन्फ्यूजन होने लगता है, मतलब जजमेंट पावर, मेंटल कन्फ्यूजन्स होने लगता है कि क्या सही क्या गलत है या सामने क्या है, वो कन्फ्यूज होने लगता है। क्योंकि आपने देखा होगा तरबियों को चलते हैं और कुछ उनको देखेगा तो बोलेंगे कि अगर एक थोड़ा सा स्टिक भी दिख गया, बोलेंगे कोई एनिमल्स छोटा मोटा तो नहीं है जो काट सकता है, तो उनको कन्फ्यूजन होने लगेगा। एंड डिजीनेस का मीन्स होता है फीलिंग, उसको चक्कर जैसा ऐसा फीलिंग हुआ कि मुझे लगता है अब चक्कर आने वाला है। तो इस तरह के भी सिम्टम्स जो होते हैं अपीयर ड्यू टू एक्यूट सिम्टम्स ऑफ द एल्कोहल, ब्लरेड इमेजेस, विजन, ब्लर इमेज, ब्लर इमेज का धुंधला दिखने लगता है। इट मीन्स आप देखो कि एल्कोहल का जो इफेक्ट है वह हमारे रेटिना पर भी आ रहा है। इन वेयर टू टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, रॉड सेल एंड कोन सेल, द कोन सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डे विजन एंड द रॉड सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट विजन, के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इफ द एल्कोहल, ध्यान देना कि अब यू टेक, अगर इफ यू ड्रिंक इन अवर बॉडी एट दिस टाइम क्या होता है, एल्कोहल रीचेज टू अवर विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स इन रेटिना रीजन वेयर अफेक्ट द कोन सेल एज वेल एज रॉड सेल, सो देयर फोर द विजन इज नॉट क्लियर बाई द पर्सन एट द पर्टिकुलर टाइम्स। डिफेक्टिव मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, आपने देखा होगा कि उनका जो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन होता है, दैट इज कोऑर्डिनेशन जब होता है तभी बॉडी का मूवमेंट प्रॉपर वे में होता है, जैसे भी मैं चल रहा हूँ अच्छे से। तो जो ऐसे पर्सन होते हैं जब अल्कोहल को ले लेते हैं, ड्रिंक कर लेते हैं, तो वो ऐसे कैसे ऐसे कुछ इस तरह से आपको, मतलब मस्कुलर कोऑर्डिनेशन उनको बैलेंस नहीं बॉडी का बना पाते, ये भी सिम्टम्स आपको वहाँ पर दिखने लगता है। लॉस ऑफ जजमेंट, मतलब जजमेंट पावर भी लॉस होता है, एंड सेल्फ कंट्रोल, अपने को कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं, मीन्स आपने देखा कि उसका इफेक्ट हमारे ब्रेन पर भी आ रहा है। एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का मतलब किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट जो रिस्पांस हम नॉर्मल वे में कोई भी पर्सन देता है वह कम हो जाता है। कोई पिन भी चुभोया तुरंत, अगर हमको नॉर्मल पर्सन को किसी, आपको भी पिन चुभोया तुरंत एक्शन ले लेते हो और उसके अगेंस्ट आपको रिस्पांस आता है, बट ऐसे पर्सन में आपको रिस्पांस भी अगेंस्ट ए एक्सटर्नल स्टिमुलस आर एनी टाइप ऑफ स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पांस, क्विक रिस्पांस नहीं आ पाता है, ठीक है। तो हियर इज द सम एक्यूट सिम्टम्स ऑफ अल्कोहल, क्लियर। नेक्स्ट इज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ अल्कोहलिज्म, मेनी इफेक्ट इन अवर बॉडी, कुछ को मैंने यहां पर आपको मेंशन किया। फर्स्ट ऑफ ऑल इफेक्ट ऑन किडनी, वो किडनी पे इफेक्ट डालता है, उस पर हम थोड़ा बात करेंगे अभी। विथड्रॉल सिंड्रोम, विथड्रॉल सिंड्रोम का मतलब होता है, इस पर भी हम बात करूंगा, थोड़ा सा मैं हिंट आपको दे रहा हूँ। विथड्रॉल सिंड्रोम का मतलब एनी पर्सन दे आर एडिक्ट ऑफ अल्कोहल्स और ड्रग्स का, अगर एडिक्ट है और उसको विड्रॉ करा दिया जाए
उसको बंद कर दिया, टोटली उसको बंद कर दिया जाए, तो ऐसे पर्सन जो होते हैं सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी, डिप्रेशन, हेडेक्स, इस तरह के उनके अंदर आ जाता है, क्योंकि अब बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। फिर उनको अगर वापस आपने ड्रग्स एंड एल्कोहल्स दे दिया, फिर वो नॉर्मल हो जाते हैं। तो दिस टाइप ऑफ सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब एबनॉर्मलिटीज अपियर इन द बॉडी ड्यू टू, ध्यान देना किसके कारण से, ड्यू टू ब्रेक ऑफ एल्कोहल और ड्रग्स को ब्रेक कर दिया जाए इनसाइड द बॉडी लेने से, उस समय ये प्रॉब्लम्स आ। हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया का मतलब होता है डिक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। इफ यू टेक एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, अगर ज़्यादा आप लेते हो तो ये भी हाइपोग्लाइसेमिक भी बना देता है। एसिडोसिस का मतलब वेरियस एसिड्स आर प्रोड्यूस इन अवर बॉडी इन अवर सेल्स एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू लोअरिंग डाउन द पीएच को डाउन कर देता है एंड दे आर वेरी डेंजरस फॉर योर लाइफ। उससे हमारी डेथ भी हो जाती है एसिडोसिस के कारण से, हो सकती है। हैंगओवर इफेक्ट का मतलब लेने के बाद क्या प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कभी कुछ लोगों को आपने हेडेक्स देखा होगा, ठीक है, और चक्कर जैसा होगा, ये सब सारे सिम्टम्स जो होते हैं वहाँ पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में ये हमने एक नॉर्मल यहाँ पर बात हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा हम डिटेल में चलेंगे वन बाय वन। द फर्स्ट ऑफ ऑल इफेक्ट ऑफ, ध्यान देना कि इफेक्ट ऑफ एल्कोहल ऑन नर्वस सिस्टम, इफेक्ट ऑफ एल्कोहल ऑन नर्वस सिस्टम, ध्यान देना नर्वस सिस्टम पर क्या है। अगर इफ यू टेक लो डोज और कंसंट्रेशन, लो डोज ले रहे हो कंसंट्रेशन ऑफ एल्कोहल तो वर्क एज द स्टिमुलेंट का काम करेगा, ठीक है, एक्साइट कर दे हमारे नर्वस सिस्टम को, एक्साइट करेगा। इफ यू टेक द एल्कोहल इन हाई डोज, अगर आप क्या रहे हो हाई डोज, इफ यू टेक द एल्कोहल ऑफ हाई डोज ऑफ एल्कोहल तो क्या होगा, तो यहां पर क्या करेगा, डिप्रेसेंट कर देगा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्रेसेंट, ठीक है, ये भी चीजों को आप ध्यान देना। थर्ड, प्रोड्यूसिंग स्लीप, यह नींद लाता है, इससे नींद भी आता है, अगर आप ज्यादा ले रहे हो तो इससे नींद भी आ रहा है, ध्यान देना। एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ न्यूरॉन्स दैट इज नोन एज न्यूराइटिस। इन्फ्लेमेशन का मतलब ये होता है कि वहाँ पर उस न्यूरॉन में नर्व कंडक्शन भी अफेक्टेड होगा। तो व्हाट इज द रोल ऑफ द न्यूरॉन्स, क्या होगा, जो मैसेज होता है ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर न्यूरॉन विद द हेल्प ऑफ नर्व कंडक्शन, मैसेज को दे रहा है। अगर इन्फ्लेमेशन ऑफ न्यूरॉन हो गया तो जो नर्व कंडक्शन, इसीलिए होगा, मैंने क्या कहा कि कौन से लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के पहले हमने बात बोला, कॉन्शियसनेस का मतलब किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स आता है वह लेट आता है, ये लॉस होने लगता है, क्यों, क्योंकि वहां पर न्यूराइटिस जैसे सिम्टम्स अपियर होने लगते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है, उनकी मेमोरी भी लॉस हो जाती है। तो ध्यान देने की बात है कि अगर आप एल्कोहल लेते हो, अगर कोई भी लेता है, इसलिए एल्कोहल नहीं लेना चाहिए, हमारा अवर नर्वस सिस्टम्स आर अफेक्टेड विद द एल्कोहल, हमने पॉइंट वाइज यहाँ पर आपको मेंशन किया। इफ यू टेक द लो डोज, अगर बहुत लिटिल अमाउंट में अगर आप एल्कोहल्स को ले रहे हो तो वर्क एज द स्टिमुलेट, मीन्स स्टिमुलेट अवर नर्वस सिस्टम। इफ यू टेक दिस एल्कोहल इन हाई डोजेज, अगर हाई अमाउंट में ले रहे हो तो वर्क एज द डिप्रेशन, डिप्रेशन में ला देता है पर्सन को, और ये स्लीपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है, ज़्यादा नींद अच्छी, इससे अच्छी नींद के लिए बात चक्कर में इसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा नींद आएगा, एक्सेस आपको इंसोमनिया तो अलग होता है, यहाँ पर स्लीपिंग वाले जो प्रॉब्लम्स आ जाती है, ज़्यादा एक्सेस होने लगता है, ये भी अच्छी बात नहीं है। इन्फ्लेमेशन ऑफ न्यूरॉन्स दैट इज नोन एज न्यूराइटिस, मतलब नर्व कंडक्शंस का जो होता है, जो मैसेज जो ट्रांसफर होता है फ्रॉम हियर टू ब्रेन्स आर वेरी स्लो, बहुत ही स्लो हो जाते हैं, तो दिस कंडीशन इज नोन एज न्यूराइटिस आर इन्फ्लेमेशन ऑफ न्यूरॉन्स एज वेल एज लॉस ऑफ
मेमोरी पावर भी हमारी लॉस हो जाती है। ठीक है, तो ये तो था कि इफेक्ट इसका क्या हो रहा है। अब हम दूसरा जो एक बात करेंगे, इफेक्ट ऑफ एल्कोहल ऑन लीवर पर क्या इफेक्ट होगा। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑन लीवर, ये लीवर पर क्या इफेक्ट डालेगा। ठीक है, एल्कोहल अगर देखा जाए, एल्कोहल कॉजेस क्या करेगा, डिपोजिशन ऑफ फैट इन लीवर, लीवर में फैट का डिपोजिशन होने लगता है, देयर फॉर द लीवर्स बिकम फैटी, दैट इज नोन एज फैटी लीवर। आज इसके भी केसेस बहुत देखे जा रहे हैं फैटी लीवर्स के, ग्रेड वन, ग्रेड टू, यस ग्रेड थ्री, ये फैटी लीवर्स के ग्रेडिंग होती है। सीधे डॉक्टर बोलता है कि आपका लीवर की जो साइज है वो लार्ज हो गई, वहाँ पर फैट का डिपोजिशन ज़्यादा हो गया। जब फैट का डिपोजिशन ज़्यादा हो जाता है तो वो डाइजेशन को अफेक्ट कर देता है। इट मीन्स व्हाट इज द रोल ऑफ द लीवर, इट प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट। नो एनी एंजाइम्स आर रिपोर्टेड इन हियर, बट बाइल जूसेस प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल फॉर द इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट, वो फैट को इमल्सिफाई करता है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान देना है कि अगर फैटी लीवर्स हो जाएगा तो बाइल जूस का सिक्रेशन भी प्रॉपर वे में नहीं हो जाता है, तो प्रॉपर हमारा फैट का डाइजेशन भी बॉडी के अंदर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से हायर डोज ऑफ एल्कोहल एवरी डे अगर ले रहे हो, हायर डोजेज ऑफ एल्कोहल एवरी डे अगर आप हम पर डे अगर ले रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं, तो हमारा लीवर सिरोसिस हो जाता है। लीवर सिरोसिस का मतलब ये दिस इज द इनिशियल स्टेज ऑफ कैंसर। सिरोसिस के बाद अगर फिर भी ले रहे हो तो सिरोसिस कन्वर्टेड इनटू कैंसर में वह कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान देना। तो जो लीवर कैंसर हो रहा है, आज जो लीवर कैंसर हो रहे हैं ड्यू टू क्रॉनिक एल्कोहलिक, ज़्यादा समय से अगर आप ले रहे हो क्रॉनिक एल्कोहलिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लीवर कैंसर। वह किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, लीवर कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, नर्वस सिस्टम के बाद दूसरा मैंने आपको ऑर्गन्स के पर लिया, दैट इज नोन एज लीवर। तो अवर एल्कोहल इज ऑल्सो अफेक्टेड लीवर्स, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स इन अवर बॉडी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होता है। इसको मैंने आपको दिया कि इसके कारण से क्या होगा, फैट का डिपोजिशन लीवर में हो जाता है, जिससे फैटी लीवर हो जाते हैं। फैटी लीवर होने से क्या होगा चेक, या आप कह सकते हो एब्सेंट द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फैट इन द एलिमेंट्री कैनाल, वह कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाएगा, वेरी लो हो जाता है, इसलिए उन पर्सन को प्रॉब्लम आने लगती है। देन अगर डाजा हायर डोज में अगर आप ले रहे हो, पर डे ले रहे हो, लीवर सिरोसिस में आ जाएंगे। सिरोसिस का मतलब सेल डैमेज होने लगते हैं। ठीक है, अब वो फिर अगर ज़्यादा समय तक ले, अब क्रॉनिक हो गया और वही, तो दे आर कन्वर्टेड इनटू कैंसर। हमने कहा कि ये कैंसर के पहले का स्टेज है, नॉर्मल सेल, फिर ज़्यादा आपने लिया सिरोसिस में आएगा, सिरोसिस से बाहर अगर ज़्यादा टाइम तक लिया, बहुत दिनों तक लिया, देन कन्वर्टेड इनटू लीवर कैंसर। तो ये जो आज हमारा वीडियो था एल्कोहल पर, हम दो पार्ट्स में वीडियो को बना रहे हैं, ये पार्ट फर्स्ट होगा, जो सेकंड वीडियो होगा इसी से रिलेटेड होगा, एल्कोहलिक एब्यूज से होगा, वो पार्ट सेकंड होगा। तो टुडे जो हम लोगों ने ये वीडियो देखा, ऐसा होप करते हैं कि आप लोग समझोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू, एंड एवरी वन सब्सक्राइब माई चैनल्स।